हरी सिंह और यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग या मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी जगह से लोग आए थे। ये लोग यूपी से। टोटल जो आपके कोर्स की फ़ी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम नकीब खत्री। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कैसे होती है मास्टर्स के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, टाइमिंग्स क्या क्या है, कितना टाइमिंग लगता है ऑफलाइन काउंसलिंग में, और कैंपस भी थोड़ा बहुत दिखा दूँगा जहाँ पर मैं एडमिशन ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वहाँ का कैसा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लगते हैं और इसकी प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो CUET के थ्रू हो गया है। तो पहले ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब CUET के थ्रू उसका एडमिट कार्ड, उसका स्कोर कार्ड देख कर आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले तो आपको CUET के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आ जाता है तब आपको इसके काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर ऑनलाइन भी काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से अभी ऑफलाइन ही काउंसलिंग चल रही है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वो है सबसे पहला आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो, फिर उसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट आपकी ज़रूर लगेगी। फिर उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट जो लास्ट 6 मंथ्स का होना चाहिए, तो अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपको बनवाना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ्स की डेट का। और आप अगर EWS कैटेगरी में आते हैं, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी उसमें लगाना पड़ेगा। NCC के कुछ मार्क्स ऐड होते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको एक अटैच्ड फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। और इसके बाद अगर आपकी एजुकेशन में ईयर गैप है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक एडवांटेज हमें मिल जाता है कि हमें एफिडेविट नहीं बनवाना पड़ रहा है और हमें डायरेक्ट सेल्फ रिटन एप्लीकेशन लिख कर, डिक्लेरेशन लिख कर उनको प्रोवाइड कर देना है। और बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर हमें वहाँ पर काउंसलिंग पर जाना है और फिर आगे प्रोसीजर मैं आपको बताई दूंगा। तो बने रहिएगा आप इस ब्लॉग में ताकि आप पूरी प्रोसीजर देख पाएँ। सुबह मैं उठ चुका हूँ, मैंने रात को सारे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो मैंने रात को सारे असेंबल कर लिए थे अपनी फाइल में। काउंसलिंग के लिए जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फ़ोटो कॉपीज थी, सब कर दिया है इस फाइल में अटैच और ये सब कर। रात के 1:30 बज चुके हैं, अब मैं सोऊंगा, सुबह मिलूंगा कल। The next day। उसके बाद अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ, नाश्ता वगैरह करके मैं जाऊँगा डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय की तरफ। काउंसलिंग का टाइमिंग है 9 बजे से ले कर 9 बजे हमें रीच करना है और 12 बजे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अभी मैं 7 बजे उठ गया था और 8 बज गए पता ही नहीं चला, और 9 बजे मैं अब डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पहुँचूँगा। फिर 3 घंटे का वेट रहेगा, एंट्रेंस वगैरह की प्रोसीजर होगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो अब मिलेंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। और मैं अपनी पैशन को स्टार्ट करके निकल गया डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी की तरफ। मेरे घर से लगभग 10 मिनट का रास्ता है, 5 किलोमीटर की दूरी है। और ये तय करने के बाद हम फाइनली मैं पहुंच गया कैंपस में। यहाँ पर गौर जी की मूर्ति लगी हुई है एंट्रेंस पर, आपको ये दिख जाएगी। यह मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, यह पार्किंग और यहाँ से है एंट्रेंस। दस बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं और काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। 9 बजे एंट्री मिल गई थी और लगभग 1 घंटे बाद 10 बजे सभी स्टूडेंट्स से एक रजिस्टर पर एंट्री करवाई जा रही थी, जिसमें हमें अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, अपना पता और हमारे जो CUET के स्कोर हैं वो मेंशन करने थे। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर अपीयर हुए थे उन सब में से उनके मार्क्स वाइज ये लिस्ट बना के फिर उनको
उस मार्क्स के अकॉर्डिंग बुलाने वाले थे, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको पहले, फिर जिसके कम मार्क्स उसको बाद में, और रिजर्वड एंड अनरिजर्वड सीट के अकॉर्डिंग ही ये प्रोसेस चलती है। 12 बज चुके थे, एक बज चुका था और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरी बारी नहीं आई थी अभी। और यहाँ पे टीचर्स को समोसे पकौड़े सर्व हो रहे थे, और ये मैथ फेस्ट हुआ था तो कुछ लिखा हुआ है उसका। और फिर प्यास भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी अपनी बारी आई नहीं थी तो मैं अपनी बारी का ही इंतज़ार कर रहा था। और इसी चीज़ की कमी थी कि वहाँ पे चाय भी परोसी गई टीचर्स के लिए। तो ये सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, सभी डॉक्यूमेंट्स को सभी ने अटैच कर लिया था, वही सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चेक हो रहे थे। मेरी बारी फाइनली आ गई तो मैं भी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने लगा। वहाँ पर जो फोटोकॉपीज थी बस वही सबमिट होनी थी, बस हमारी जो ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दिखाने ही थे। ओरिजिनल जो चीज़ लगनी थी वो हमारी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो था, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट था, वो बस ओरिजिनल लगना था। बाकी सबकी फ़ोटोकॉपी अटैच करके हमें सबमिट करना था। बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बस वहाँ पे दिखाने थे, वो सबमिट नहीं होने थे, और वो फिर हम अपने साथ रख सकते हैं एज़ अ प्रूफ के लिए कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। तो बस यही देख रहे थे। फिर ये सब फिनिश होने के बाद हमें आगे काउंसलिंग के लिए जाना था। अगर इस प्रोसेस तक आप आ जाते हैं तो आपका एडमिशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपकी सीट पक्की है। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो थे वो कम अपीयर हुए थे, और जो सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं, 44 सीट्स हैं, लेकिन कैंडिडेट्स जो थे वो 36 थे या उससे भी कम थे। तो लगभग सारे कैंडिडेट्स को सीट्स मिल गई थी, क्योंकि पहले वो रिजर्वड अनरिजर्वड सब आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो रिजर्वड सीट को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि इसमें जो जनरल वाले लोग हैं उनका थोड़ा नुकसान हो जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए हैं, अब फाइनल एडमिशन मिल जाएगा, फिर उसके बाद फीस जमा होगी और फिर फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे चेक हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको जो बताया था, मैं एक चीज़ रह गई थी इसमें, फ़ोटोज़ और स्टिक होंगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद फीस हो जाएगी और एडमिशन होने के बाद हमें मिलती है प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, जो कि हमारा कंफर्म एडमिशन तब कहलाता है जब हम फी सबमिट कर उसकी जो स्लिप है वो इसी डिपार्टमेंट में आकर जमा कर देंगे। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी जगह से लोग आए थे, ये लोग यूपी से हैं, ये तो अपने सावरी के हैं, और ये भाई रीवा से आए हैं, एमपी से ही हैं, रीवा से डिस्ट्रिक्ट बदल गया है, गुजरात के भी लोग आए हैं, उड़ीसा के भी आए हैं, बिहार के भी आए हैं, सागर के कम हैं, बाकी सब जगह के ज़्यादा हैं। तो आप भी आ सकते हैं हरियाणा दिल्ली, जहाँ से भी हो, ऑल इंडिया CUET का है तो आप भी आ सकते हो। बाकी ये रहे अपने काका, ये आपको गाना सुनाएंगे। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। तो 3 बजे एडमिशन की प्रोसेस ख़त्म हो गई है लगभग, और 9 बजे से आए थे, 12 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो गई थी, और मास्टर्स में इतने ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर नहीं हुए थे, उससे कम हुए थे, तो लगभग सबको एडमिशन मिल चुका है, सब वापस जा रहे हैं। मेरा भी एंड लास्ट के थोड़े टाइम पहले था, ये एंड हो चुका है, सबका एडमिशन हो चुका है पूरा। और इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मास्टर्स में इसकी ईयरली की फ़ी है, टोटल जो आपके कोर्स की फ़ी रहेगी वो रहेगी 20,000, ज़्यादा फीस नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आपके OBC है तो आपको स्कॉलरशिप इससे ज़्यादा मिल जाएगी। यह हॉस्टल का खर्चा आपको इसमें लग सकता है, बाकी अगर आप चाहें तो आप सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये रही इसकी पूरी प्रोसीजर, और कुछ लोग भी मिले जो दोस्त बन गए आज ही के दिन मास्टर्स में, अब ये लोग डेली मिलेंगे तो डेली इनसे मुलाकात होगी। एक ये है शादाब भाई, नाम बता दो, योगेश भाई हैं। सो ये था हमारा डॉक्टर आई सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।